हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा अग्रवाल। आज हम देखेंगे सितंबर का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, स्पेशली एरीज, मेष राशि के लोगों के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं सितंबर के मंथ में जितने भी एरीज लोग हैं जिनका जोडिक साइन एरीज है, वो एक्सपेंशन का प्लान करेंगे, कुछ नया प्लान करेंगे, या जो ऑलरेडी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उनके लाइफ में, उनका अब पूरा होने का समय आ गया है, तो वो उन्हीं को आगे बढ़ाने का सोच सकते हैं या सोच रहे हैं। परेशानियां आपको लाइफ में ये फेस करनी पड़ सकती है कि एक तो नजर दोष कि लोगों की नजर लग सकती है कि बहुत सक्सेसफुली आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, हम खुद ही थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, बिकॉज जब एक्सपेंशन का टाइम आता है, एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो इट शोज कि हम लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, हमें लोगों ने बहुत मदद की है, या कहीं ना कहीं उनका बैक ऑफ द वे सपोर्ट रहा है हमारी लाइफ में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अब उन लोगों को थोड़ा साइडलाइन कर रहे हैं, या हमें उनकी इम्पोर्टेंस अब नहीं रही है, या उतने वर्थफुल नहीं रहे हैं वो, तो वो कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल बन सकता है। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनना है, नजर के उपाय करने हैं, और अपने आप का फायदा सोचते हुए दूसरों के लिए भी हमें थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड रहना है। अगेन आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको बहुत जल्दबाजी में रैश डिसीजन नहीं लेने हैं, बहुत प्लानिंग के साथ कॉन्शियसली सोच समझकर हर चीज में आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई हेल्थ इश्यू आ जाता है तो आपको मेडिकल गाइडेंस लेनी चाहिए, प्रॉपरली डॉक्टर को दिखाना है, डायग्नोज करवाना है कि क्या ट्रीटमेंट लेना है। आपको घर पर ही अपना सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं लेना, तो कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। रिलेशनशिप में या तो आप बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में उस रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं कि आपको उसमें टेंशन नहीं चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला जिसके साथ आपका रिलेशन है वो कहीं थोड़ा डिप्लोमेटिक हो रहा है। बेसिकली रिलेशन में उतना बॉन्ड नहीं है, उतना इमोशनल बॉन्ड नहीं है, बट मेंटली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मीन्स उस रिलेशन को रन करने के लिए आप एफर्ट डाल रहे हैं बहुत सोच समझ कर। बहुत सारे सच आपकी लाइफ में सितंबर के महीने में रिवील होने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से कुछ चीजों की खोज कर रहे थे, रिसर्च का टाइम चल रहा था, एनालिसिस का टाइम चल रहा था, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने खुलकर आ सकती हैं, या आप उनके लिए धीरे 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 और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन में जा सकते हैं कि आपको चीजों की क्लैरिटी होने लगे। तो सितंबर का महीना आपके लिए फेवरेबल चीजें लाए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, तो उसके लिए आपको दो चीजें करनी है। एक तो केम केतवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या आप येलो कलर का यूज कर सकते हैं।